वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स दिस इज मी सागरिका एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश राइटिंग का राइटिंग पोर्शन में रिपोर्ट राइटिंग के बारे में ठीक है आपका ये जो क्वेश्चन है ये अगेन आपका नंबर का क्वेश्चन आएगा ठीक है एंड इसमें आपको आर्टिकल और रिपोर्ट के बीच में जो है ये डिफरेंस दिया रहेगा आपको उसमें से कोई एक ऑप्ट करना है ओके okay? सो so, आपका जो ये रिपोर्ट राइटिंग है ये आपको लिखना होगा एक सौ बीस वर्ड से एक सौ पचास वर्ड के अंदर फ्रॉम द स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक में ठीक फिर आपका जो रिपोर्ट राइटिंग है वगैरह आपको आर्टिकल रिपोर्ट के बीच में डिफरेंस पूछा है एंड पांच नंबर में से एक नंबर रहेंगे आपके फॉर्मेट के एक नंबर जो आपने आइडियाज खुद से जो नए नए लगाए होंगे उससे रिलेटेड फिर दो नंबर होंगे आपके कंटेंट के और फिर लास्ट में एक नंबर होगा आपका प्रॉपर इंग्लिश का पेपर है तो ऑफकोर्स ये बताएं इंग्लिश की स्पेलिंग्स का ग्रामर का उससे रिलेटेड ठीक है ओके okay. तो साथ में बने रहना बिकॉज मैं आपको जो इसके आगे आने वाले पॉइंट्स हैं वो आपको मैं ऐसे बताऊंगी कि आप डिट टू एज ए टेज बना के लिख सकते हो प्रॉपर आपको इनफैक्ट कुछ ऐड वगैरह करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है so, सो सबसे पहले हम आते हैं रिपोर्ट राइटिंग पर भाई रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है हम क्यों पढ़ रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग को तो कोई भी चीज़ जो ऑलरेडी हो चुकी है पास्ट में अब आपको उसके ऊपर एक प्रॉपर रिपोर्ट लिखनी है ठीक है हैंड टू हैंड इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ हुआ है उस इंसिडेंट में कोई बैड इंसिडेंट हुआ है या फिर कोई गुड इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में आपको प्रॉपर एक रिपोर्ट

ठीक है अब अगेन आपके आते हैं आपके दो टाइप के रिपोर्ट्स होते हैं ठीक है एक होगी आपकी मैगजीन रिपोर्ट और एक होगी आपकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जानना ठीक है ऐसे, जो तो तो हाँ नहीं, ऐसे नहीं होता खाली रिपोर्ट बोलते तो आपको रिपोर्ट लिख के आनी ऐसा नहीं होता ठीक है तो दो टाइप के रिपोर्ट्स होते हैं आपके न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स जितने भी होते हैं वो जनरली आपके बैड इंसिडेंट्स इंसीडेंट्स जैसे कि एक्सीडेंट्स हो गया डिजास्टर्स हो गए इन सब से रिलेटेड होते हैं आपकी मोस्टली न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ठीक है एंड जबकि मैगजीन रिपोर्ट होती है वो अच्छी रिपोर्ट्स होती है जैसे कि आपका गुड गुड चीज़ें होंगी इवेंट्स हो गए कोई फंक्शन हो गया कोई स्पोर्ट्स डे हो गया उसका कैंप हो गया उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखनी है तो ये गुड 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 गुड़ वाली चीज़ें होती हैं वो आपकी मैगजीन रिपोर्ट्स के अंदर आती है ठीक है ओके okay. सो so, आपके वैल्यू पॉइंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन आपके लिए सो so, ये सारी चीज़ें जो लाइन बाय लाइन है आपको वैसे ही ध्यान में रखना है दैट इज फोर्स जो अभी आप मेंशन करोगे तो आपको डेट टाइम प्लेस हमेशा मेंशन करना है या फिर कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मैंशन करनी ही करनी है अपने रिपोर्ट के अंदर ठीक है उसके बाद आपको ये नहीं कि खाली अपना ओपिनियन मतलब कुछ आस के लोगों का ओपिनियन भी अगर कुछ देख रहे हो कुछ बता रहे हो तो आपको वो भी अपनी रिपोर्ट के अंदर आप लिख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके फॉर्मेट के अंदर भी है आपको टाइटल या फिर हेडिंग जो है वो आपको देना ही देना है टाइटल

ओके okay. सो so, उसके बाद आते हैं आपको अलग उसके प्रॉपर रीजनस देने होंगे कॉजेस देने होंगे कॉन्सिक्वेंस क्या हुए फिर ओपिनियंस अपने देने होंगे ओपिनियन जैसे बहुत छोटा सा लास्ट में ओपिनियन ठीक है फिर हम आते हैं कि जब भी आप अपने आइडियाज़ और इंप्रेशन लिखते हो उसको पहले एक जगह प्रॉपर पेन डाउन कर लो आपके पास जो आपके आंसर शीट होगी उसका लास्ट पेज है दैट इज़ उसके ऊपर रफ पेज की हेडिंग डालो और प्रॉपर उसके अंदर आप पेंसिल से या पेन से जिससे भी आपको फटाफट लिखना है उससे प्रॉपर जो अपनी चीज़ें हैं आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं उसको एक जगह लिख लो ठीक है हो सकता है जब आइडियाज लिख रहे हो तो आपको लास्ट में कुछ या फिर बीच में कोई ऐसा पॉइंट याद है जो आपको स्टार्टिंग में लिखना चाहिए सपोज करते हैं मेरे पास एक इवेंट आया ठीक है मुझे इवेंट के ऊपर लिखना है मैंने भाई पूरा लिख दिया मैं पहुंच गया कि भाई गेस्ट आ गए हैं जो है हमारा डांस वगैरह वो शुरू हो गया लेकिन मुझे तो पॉइंट बीच में ऐड करना था कि भाई गणेश वंदना से शुरू हुआ था ये तो मैं लिखना भूल गई अगर मैं डायरेक्टली अगर रिपोर्ट लिखी हुई तो मैं उसमें लिख ही नहीं पाती है पॉइंट तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं लास्ट में गणेश वंदना या फिर एरो बना करके लिख सकती हूँ कि हाँ भाई गणेश वंदना भी हुई थी ठीक है तो इससे क्या होगा आपने जब प्रॉपर आप जो बिल्कुल नया नया वाला अपना रिपोर्ट लिख रहे हो वो गंदा नहीं हो आप तो बच गए आप तो उस टाइम पे कटिंग कुटिंग से बच गए तो ये काम है चीज़ जरूर ट्राई करना है कि आपने रफ शीट के ऊपर पहले सारे पॉइंट्स जो है पॉइंट्स मतलब प्रॉपर लंबे लंबे नहीं खाली एक एक वर्ड गणेश वंदना गेस्ट अराइव्ड उसके बाद डांस हैपन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करके जैसे कि आपको याद रहे कि हाँ भाई मैं इसको लाइन में फॉर्म करके लिख सकता हूँ लिख सकती हूँ ठीक है ओके फिर हम आते हैं इसे पेन डाउन कर लो उसके बाद प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन रखो फिर स्मॉल छोटे छोटे सेंटेंस देखो कि भाई गणेश वंदना हुई गेस्ट आए 4:30 थर्टी पी के अराउंड आए ठीक है थीके? उसके बाद उन्होंने फिर लाइटिंग ऑफ लैम्प किया छोटे छोटे पॉइंट्स बट आपके बहुत सारी चीज़ें बन गई ऐसे कर कर ओके अब हम आते हैं इसके प्रॉपर फॉर्मेट के ऊपर तो अगर आपको वो मैगजीन से रिलेटेड आए तो आप कैसे फॉर्मेट रहेगा हेडिंग टाइटल आप ऑफ द रिपोर्ट जो आपको रिपोर्ट लिखनी है फॉर एग्जांपल आपका एनुअल डे का फंक्शन हुआ ठीक है तो एनुअल डे के फंक्शन में आप लिखोगे ऐसे एनुअल डे फंक्शन बस इतना ही काफ़ी आपके लिए एनुअल डे फंक्शन ए डी और एफ कैपिटल इन सब का तीनों का फिर हम आते हैं बाय आपका क्वेश्चन में नाम नाम गिवन होगा ऑलरेडी अदिति अमीशा नितिन मुकेश ठीक है जो भी कोई नाम है आपको ऑलरेडी गिवन होगा आपके क्वेश्चन के अंदर आपने वो लिख दिया बाय डार्च नहीं डालना है ऐसे लिखना है ठीक है बाय अदिति फिर जो में body of the, आपका जो मेन बॉडी ऑफ द आपका रिपोर्ट आएगा उसमें आप फाइव डब्ल्यूज़ को एक्सप्लेन करोगे ठीक है फाइव डब्ल्यूज़ एंड वन एच उसमें क्या लिखोगे आप कि भाई कहाँ हुआ था कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ ठीक है किसने करवाया ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर और कौन कौन आया ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको अपने जो रिपोर्ट है उसके अंदर मेंशन करनी ही करनी है आप तीन पैराग्राफ्स में ये बात बिल्कुल मतलब लिखी हुई है सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अंदर कि आपको मेंशन करनी ही करनी है तीन पैराग्राफ में आपको लिखना ही लिखना है एक साथ आर्टिकल बनाकर के नहीं लिख देना आपके नंबर कट जाएंगे उसमें ठीक है क्योंकि आपसे आर्टिकल मांग रहे तो प्रॉपर एक पैराग्राफ के अंदर लिखोगे आर्टिकल लिख रहा आप जब आपसे रिपोर्ट पूछी है तो एटलीस्ट उसके अंदर तीन पैराग्राफ में मिनिमम तीन पैराग्राफ्स तो बनाओगे ही बनाओगे ठीक है फर्स्ट पैराग्राफ होगा आपको इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ जिसमें आपने जो चीज़ देखी उसको आप लिखोगे सेकेंड पैराग्राफ आपने क्या क्या चीज़ें देखी उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दूँ और लास्ट पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ दट इसके भाई एनुअल डे में भाई लास्टली ये चीज़ें हुई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जो गेस्ट थे उन्होंने एक स्पीच पास ऑन करी और फिर जो रिफ्रेशमेंट्स है वो सब बटे तो ये आप लास्ट पैराग्राफ में बताओगे ठीक ओके अब हम आते हैं अगर आपका न्यूज़पेपर का फॉर्मेट आ गया सारी चीज़ें बिल्कुल सेम हैं बस क्या लिखना है आपको बाय के बाद आपने इधर साइड में मेंशन कर दी क्या चीज़ प्लेस और उसकी डेट भाई दिल्ली में हुआ था 18 मार्च 2023 को हुआ था ठीक है तो मैंने क्या किया प्लेस जैसे न्यू दिल्ली एन कैपिटल डी कैपिटल फिर कॉमा 18 मार्च 2023 आप 18.03.23 नहीं लिख सकते 18 स्लैश जीरो थ्री ये भी नहीं लिख सकते कट क्रॉस नंबर कट गए ठीक है ये चीज़ें नहीं लिखनी है चीज़ को अवॉइड करना है ठीक ओके उसके बाद आते हैं अगेन आपको इसमें फाइव डब्ल्यूज एंड वन एच बताना है वेन हाउ वेयर होम वॉट ये सारी चीज़ें फिर हम आते हैं अगेन इसमें तीन पैराग्राफ्स होंगे ओपनिंग मिडल आपका एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ ओके अब आपके आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे दैट इज़ आपका पॉइंट्स टू रिमेंबर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कोई इवेंट बताना है कोई शो हो गया कोई आपका फंक्शन या कोई प्रोग्राम हो गया ठीक है तब आप जो पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं एज इट इज़ एज एज इट इज़ आपको मैंने अ क्वेश्चन के फॉर्म में दिया बस इसका आंसर करते जाना है एज इट इज झट 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 काम खत्म इसका एग्जाम्पल भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिख जाएगा ठीक है फिर आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि भाई ट्रिप्स और कैम्प पे क्या करोगे उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको क्या क्या करना है आपको स्लाइड दिख गई होगी अभी ठीक है और इसी के साथ साथ आपके लिए कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपको ये पॉइंट्स मेंशन करके आने आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे अभी फिलहाल हम आ जाते हैं भाई अपने सबसे ज़्यादा जो पूछते जाते हैं क्वेश्चन दैट इज इवेंट्स के ऊपर या फिर एक्सीडेंट्स के ऊपर ठीक है आपका पेपर में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था राइट सो so, पहले सो इसके इवेंट्स पे रिलेटेड ठीक है कोई इवेंट हो गया शो हो गया फंक्शन हो गया कोई प्रोग्राम हो गया तो ओके okay. सबसे पहले आपको शुरू करना है कि भाई वॉट क्या फंक्शन क्या हो रहा है कोई फंक्शन हो है तो क्या हो रहा है फिर हु कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है यहाँ पे आपको किसी भी स्कूल का या फिर इंस्टीट्यूशन का जो भी आपको नाम गिवन होगा तो आप वही नाम लिख दोगे ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल भारतीय पब्लिक इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है इस चीज़ को ओके okay. फिर वेन कब हो रहा है ये भाई टाइम बताओ उसका डेट और टाइम बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई टाइम देख ले टाइम बता दे भाई चार से आठ बजे तक के बीच में ये प्रॉपर फंक्शन हो रहा था ओके okay? और कहाँ पे हो रहा था भाई ऐसा तो है नहीं कि बीस लख पे हो गया नहीं नहीं वेयर कहाँ हो रहा है वो तो बताओगे वेयर हो रहा है भाई चलो मैंने वही बता दिया अब कोई पर्पज़ है उस इवेंट का मैंने ये क्यों लिखा है सपोज करते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई वर्ल्ड इन्वामेंट डे है वर्ल्ड हेल्थ डे है वर्ल्ड वाटर डे है तो उसको कुछ आपको जो इंपॉर्टेंस पता है भाई इन्वायरमेंट का क्यों क्योंकि भाई इन्वायरमेंट में सबको जागरूकता फैलाने की भाई जो इन्वायरमेंट उसको क्लीन रखे स्वच्छ रखे साफ रखे क्लीन टैंड क्लीन रखे कि भाई वो ब्रीदेबल एयर बन जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़राब ना हो ठीक है जो अस्थमा के पेशेंट है हॉस्पिटलाइज पेशेंट है उनको दिक्कत ना हो तो आप अभी कुछ पॉइंट लिख दो भाई आपका आंसर लंबा हो गया एक तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया तगड़ा ठीक है तो आपका ये अगर कोई पर्पस है उस इवेंट का ये मोस्टली होता है कोई किसी डेज वगैरह के लिए कोई डे आपको बताना है कोई स्पेशल आपकी को, कोई सिल्वर जुबली है कि वो स्कूल को जो है वो पचास साल हो गए थे तो इस वजह से ही जो है ये जो फंक्शन है वो ऑर्गेनाइज किया गया है ठीक तो है तो ये होगा कि क्या होगा कि पर्पज़ हो गया वरना आपको कोई एनुअल फंक्शन है तो कोई पर्पस नहीं उसका तो एनुअल फंक्शन है तो फंक्शन है भाई ठीक है तो ये कुछ पर्पस होगा जो आप मैंशन कर सकते हो ओके इसके बाद आते हैं कि भाई अब आप आओगे इसके प्रॉपर सेकेंड पैराग्राफ में मेन बॉडी ठीक अब हम आते हैं कि भाई जो पूरा डेकोरेशन था वहाँ पे बहुत अच्छा हॉल का डेकोरेशन था वहाँ आपके एनुअल डे के फंक्शन में इनागरेशन हुआ कि कौन करने आया इनागरेशन चीफ गेस्ट करते हैं हमेशा इनागरेशन इनाग्रेशन मतलब वो रिबन कटिंग होती है ना वो रिबन कटिंग वाली चीज़ ओके चलो भाई तो तो आते हैं चीफ गेस्ट चीफ गेस्ट कौन सकता है जनरल सेक्रेटरी हो गया कोई डायरेक्टर हो गया एजुकेशन मिनिस्टर हो गया कोई फेमस सेलिब्रिटी हो गया कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो गया ठीक है किसी का नाम ही याद है तो नाम लिख दो नहीं तो अपना भाई एजुकेशन मिनिस्टर सबसे पहले सबसे अच्छी बात है वो उनका नाम लिख दें फिर अपने स्कूल का डायरेक्टर लिख दो ठीक है सबसे ईजी होता है ये ओके फिर हम आते हैं फिर लाइटिंग ऑफ लाम्प हुई फिर गणेश या फिर सरस्वती वंदना हुई फिर पार्टिसिपेंट्स या फिर स्टूडेंट्स या वॉलेंटियर्स थे उन सब वो उन्होंने पार्ट ले रखा था आपके जो पूरी इवेंट था उसके उसके अंदर फिर आते हैं कि भाई जो हमारा होस्ट था होस्ट कौन था हेड बॉय या हेड गर्ल सिंपल इजी और किसको होस्ट बनाना उनका काम क्या है ठीक है तो हेड बॉय या हेड गर्ल हो गए उनको आपने होस्ट बना दिया उन्होंने पूरा जो इवेंट है आपका उसको मैनेज किया ठीक है इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया था फिर अलग अलग एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म की अब एक्टिविटीज परफॉर्म की इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दो जो मैंने आपकी नेक्स्ट लाइट में भी डाल रखा है दैट इज कि नुक्कड़ नाटक हुआ ठीक है नुक्कड़ नाटक हुआ बहुत मजा आया उन्होंने कॉमेडी एक दिखाई दो नुक्कड़ नाटक हुए एक में कॉमेडी दिखाई एक में उन्होंने प्रॉपर बिल्कुल एक आ, सोशल जो इमेज है सोसाइटी है उससे रिलेटेड आपको बता दिया कि गर्ल चाइल्ड की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है एडुकेशन है उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है तो ये बताया गया ठीक है उसके बाद बहुत अलग अलग गेम्स हुई एक्टिविटीज हुए फंस हुए कॉमेडी जोक्स ये सारी चीजें उस टाइम पे हुई फिर हम आ जाते हैं कि भाई एट लास्ट एट दी एंड जो है भाई चीफ गेस्ट की स्पीच के बिना कभी एंड मत करना ठीक है फंक्शन हो गया इवेंट हो गया कोई एनुअल डे फंक्शन हो गया या फिर आपका कोई भी प्रोग्राम हो गया चीफ गेस्ट जब तक तो बोल के नहीं जाएगा तब तक तो उसका महत्व नहीं आने का ठीक है तो चीफ गेस्ट के जो प्रॉपर आपका एंड था स्पीच था वो एंड हुआ उससे जो फंक्शन भी उससे भी एंड हुआ उन्होंने मोटिवेट किया लोगों को गिफ्ट्स बांटे अवार्ड्स बांटे ठीक है इसके बाद रिफ्रेशमेंट सबको मिल गई एट लास्ट और उसके साथ जो हमारा जो पूरा प्रॉपर ये फंक्शन था वो एग्जेस सक्सेसफुल इवेंट कंडक्ट होके ख़त्म हो गया ठीक है तो ऐसे करके आपको कोई भी इवेंट फंक्शन प्रोग्राम शो ऐसे करके आपका एंड हो जाता है ठीक ओके और इसी फॉर्मेट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा ठीक है आपको मैंने टोटल आपको कितने बारह पॉइंट दिए हैं बारह तेरह पॉइंट आपको इसमें से आपको जो जो याद रहे हैं उस टाइम पे सेम सिक्वेंस में आप लिख के आ हाँ जाओगे ठीक ओके okay, अब मैं इसी लड़की की बात कर रही थी आपकी कि भाई फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया आर स्कूल हमारे स्कूल ने ऑर्गेनाइज़ किया था डेट बता दी मैंने पंद्रह दिसंबर दो हज़ार तेईस है याद रखना जब भी आप फंक्शन लिख रहे हो हमेशा हर एक स्कूल का एनुअल फंक्शन मोस्टली नवंबर दिसंबर के टाइम पे ही होता है ठीक है तो उसके दिसंबर की डेट डाल देना फिर हम आते हैं कब से कब तक 4 पी से 8 पी तक कहाँ पे स्कूल ऑडिटोरियम के अंदर हुआ था ये फिर हम आते हैं कि बहुत एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या था भाई कि मेन इसका एम यह था कि भाई रिजल्ट को और प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना है मैंने अभी एम लिख दिया आपको एम याद नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है भाई मुझे उस टाइम पर रिजल्ट और प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना था इसलिए मैंने एनुअल फंक्शन ही रख दिया उसके लिए चलो अभी जो ऑडिटोरियम था वो बहुत ब्यूटिफुल सजाया हुआ था याद है नहीं आपको जो पॉइंट बताया बिल्कुल एज इट इज़ में बढ़ रही हूँ साथ आगे ओके okay, फिर हम आते हैं कि जितने भी गेस्ट थे उनका एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एड आए थे एज अ गेस्ट चीफ गेस्ट बन करके फिर फोर थर्टी पी पे आए थे वो उनको विद द बुके से उनका स्वागत किया गया और साथ ही साथ उनके लिए वेलकम सॉन्ग आ गया टेंथ के बच्चों ने ठीक है वेलकम सॉन्ग को बताया पधारिये उनका वो सॉन्ग चल गया चलिए फिर हम आते हैं कि उन्होंने भाई सरस्वती वंदना से इस पूरे को जो प्रोग्राम था उसको स्टार्ट किया हेड बॉय हेड गर्ल इसको लीड कर रहे थे और बहुत क्लास के अलग अलग बच्चों ने इसको स्टूडेंट uh, इसमें पार्टिसिपेट किया एंड परफॉर्म्ड वेरियस एक्टिविटीज गेम्स एंड आर्ट्स इसके बाद ग्रुप ऑफ नुक्कड़ नाटक वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड टू तो कम टू तो द स्टेज एंड प्ले ड्रामा ड्रामा वॉज रियली फाइनली एंगेज इन एंड इंटरेस्टिंग ओके okay, इन द एंड द होस्ट रिक्वेस्टेड द चीफ गेस्ट ठीक है जो होस्ट था उसने रिक्वेस्ट किया चीफ गेस्ट हो कि वो आए आकर के अपनी एक स्पीच दे जिससे कि जो लोग थे बच्चे थे वो मोटिवेट हो गए प्रेज हो गए और फिर एट द एंड जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने प्राइजेस बांटे डिस्ट्रीब्यूट किए सबके साथ और तो और पार्टिसिपेंट्स के साथ सर्व टू वाल रिफ्रेशमेंट सबको मिल गई एट दी एंड ये लास्ट की लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल द पीपल हु अटेंडेड द एनुअल फंक्शन एन्जॉयड इट द मोस्ट एंड इट वॉज अ सक्सेसफुल इवेंट प्रॉपर बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट बन गया था ये ठीक ओके अब अगर आपको ट्रिप का क्वेश्चन आता है कि भाई ट्रिप है कोई ट्रिप गई है कोई कैंप गया क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी है कोई ट्रिप एंड कैंप गई है तो आप इस पॉइंट्स में दस जो पॉइंट लिख रखे आपको इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ के अपना आंसर लिखना है ठीक है सेम चीज़ें हैं बट खाली यहाँ पे डिफरेंस क्या गया दट डूज एंड डोंट्स ऐड कर दोगे ट्रिप के आपके जितने भी होस्ट हो गए ट्रेनर्स हो गए उनको ऐड कर दोगे और यहाँ पे जो मेन जो स्पॉट है कुछ कुछ एक्टिविटीज कर दी बीच में गेम्स में वो ऐड कर दोगे ठीक है बाकी वॉट हु वेन वेयर हु ये आपको मैंशन करना ही करना है ओके अगेन आपका एक्सीडेंट का क्वेश्चन आ जाएगा अगर तो जो कि मोस्टली चांसेस है कि एक्सीडेंट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ठीक है तो एक्सीडेंट के क्वेश्चन इनफैक्ट मेरे पेपर में भी वही क्वेश्चन आया था एक्सीडेंट से रिलेटेड एंड यहाँ पे मेंशन करोगे कि भाई व्हाट एंड वेयर क्या हुआ बस और ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हो गया ठीक है कहाँ पे हुआ तो हाईवे पे हो गया था कहाँ पे एन एस ट्वेंटी फोर पर आपका जो एक्सीडेंट था वहाँ पे हो ही गया वो एक्सीडेंट ठीक है एक साथ से तो वैन कब हुआ येस्टरडे हुआ और किस टाइम पे हुआ आठ बजे रात को आठ बजे हो गया ठीक है तो ऐसे ही सीक्वेंस में आप अपना आंसर लिखोगे फिर भाई कैसे हुआ भाई ओवरटेकिंग हो गया या फिर उनके ब्रेक फेल हो गया स्पीड ज़्यादा हो गई मिसहैप हो गया, मिस हाँ गया बैलेंस बिगड़ गया ड्राइवर का ठीक है ड्रंक एंड ड्राइविंग हो गई कैसे हो गया एक्सीडेंट कुछ तो रीज़न होगा रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है फिर भाई कितनी व्हीकल इन्फॉर्म्स से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दोगे उसकी भाई बस के बीच में हुआ कार के बीच में हुआ आप ये सारी चीज़ बताओगे फिर आते भाई कितने लोग जो थे वो मर गए कितने नंबर ऑफ़ पीपल इंजोर्ड थे कितने नंबर ऑफ़ पीपल एक्चुअली थे व्हीकल के अंदर ठीक फिर भाई क्राउड पूरा भाई झुंड तो जमा होते ही होता है जब एक्सीडेंट होता है तो ठीक है वो चीज़ फिर कितने नंबर डेड हो गए इंजर्ड हो गए पुलिस आई कि लेट से आई देर से आई या आए ही नहीं उनको इन्फॉर्म किया गया ठीक है फिर मीडिया भी आई मीडिया भी आ गई वहाँ पे चलो फिर रेस्क्यू और रिलीफ का कितनी देर में आया उन्होंने कितनों को हॉस्पिटलाइज किया कितने लोग डेड हो गए इसी के साथ साथ प्रॉपर कंपनसेशन कुछ दी अथॉरिटीज़ ने कि भैया हाईवे पे हुआ है तुम्हारी गलती की वजह से अगर कुछ हुआ है तो तुमने प्रॉपर कंपनसेशन दी कि नहीं दी उनको ठीक है और साथ साथ कोई भी अगर तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ भी लग रहा है इवेंट के बारे में जो आपको ऐड करना है वो भी एड कर सकते हो इसके अलावा कोई पॉइंट्स ठीक अब हम आते हैं इसके फाइनल एग्जाम्पल्स के ऊपर तो एग्जाम्पल्स भी एज इट इज सेम है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि मैं एग्जाम्पल्स समझाने बैठी ठीक है तो डू रीड आउट दीज एग्जाम्पल्स इसमें क्या है दो क्वेश्चन है आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है एंड एक आपके लिए लगाए एक नेगेटिव एग्जाम्पल है ठीक है जिसमें कि एक गुड गुड वाला है एक बैड बैड वाला आंसर्स है आंसर्स था आपका फर्स्ट एडल्ट लिटरेसी कैंप के बारे में ठीक है आपने इसका बाय लिखा बाय लिख के मैंने अपना नाम लिख दिया भाई जो भी मुझे क्वेश्चन मेरे को गिवन था दैट इज पी वी सुनी था फिर मैं सेक्रेटरी थी मैं सेक्रेटरी लिखा और सनशाइन पब्लिक स्कूल आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप जरूर लिखोगे नहीं गिवन है आपकी पोस्ट और आपका ये डेजिग्नेशन जो है वो और आपका जो स्कूल का नाम है वो नहीं गिवन है तो पाए सुनी डेट सेट ठीक है ओके उसके बाद आंसर फन नैलोर ट्वेल्थ में 2023 फिर आपने पूरा इसको लिख दिया कि भाई आपका जो कैंप था वो कैंप कैसा गया इवेंट था वो कैसा गया आप इस बात को याद रखना यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अ स्कूल न्यूज लेटर ठीक है मैगजीन ने लिखा हुआ जैसे कल मैंने आपको बोला कि वो गुड गु है तो आपने मैगजीन समझ लिया तो ऐसा मत करना ठीक है आपको मैगजीन वर्ड गिवन होगा क्वेश्चन में ठीक है अगर आपको मैगजीन लिखनी होगी तो नहीं गिवन है तो आप प्रॉपर इसी वे में इसी फॉर्मेट में लिख करके आ जाओगे और क्वेश्चन टू है आपका कि भाई दो बसेज जो थी वो ओवर हो गई थी तो एज अ टेस्ट जो मैंने आपको अभी ऊपर एग्जाम्पल करवाया वही उस एग्ज़ाम्पल का बिल्कुल सेम टू सेम है इसका आंसर कि भाई दो बसेस जो थी वो एन एच ट्वेंटी फोर पे और एन एच पी सी क्रॉसिंग के आसपास वो टकरा आ टक्कर खा गई और वो धड़ाम उनका एक्सीडेंट हो गया ठीक है एट थर्टी पी एम के अकॉर्डिंग एंड बहुत सारे जो लोग थे तीन वुमेन पास भी हो गए फाइव मर भी गए तो ये कुछ चीज़ें जो आप मेंटेन कर सकते हो अपने रिपोर्ट राइटिंग के अंदर इसके बाद आपके दो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस कर सकते हो कोई नहीं मिल रहा है टीचर स्कूल टीचर कोई दोस्त नहीं मतलब जिसको आप आंसर अपने प्रोवाइड कर सको या फिर कोई आपका ट्यूशन टीचर नहीं है तो डू सेंड मी योर आंसर्स योर प्रॉपर फॉर्मेट और मैं इंस्टाग्राम या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं उसको चेक करके आपको आंसर्स बता दूंगी एंड विद दिस आपका ये रिपोर्ट राइटिंग खत्म हो गया नेक्स्ट आप आएगा दैट इज़ आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड वो भी बहुत ईजी होता है वो तो इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा ईजी होता है उसमें बस आपको ऊपर हेडिंग बाय एंड छोटा सा आर्टिकल लिखना होता है मतलब तो झंझट नहीं होता हुम हु वॉट एवर एक्स वेज वो ज़्यादा ईजी वो भी ईजी होता है काफ़ी सो so, जब आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे अब आएगा अब आपका आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड और उसकी वीडियो भी जल्दी डल जाएगी सो so, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड कमेंट करके बताना क्या बहुत अच्छा लगा है कुछ मिस किया हो या फिर कुछ बताना हो तो ठीक है सो ओके गाइज बाय बाय ऑल द टेक केयर